गाइस, आपकी प्रेपरेशन को चार चांद लगाने के लिए मैं आप लोगों के साथ अभी कुछ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। 40 डेज बाकी है अप्रोक्सीमेटली, एंड अब इंश्योर करना कि आप लोग अपना एक सिस्टम डिसिप्लिन सेट कर लो। आइदर यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और यू आर अ नाइट पर्सन, जो भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंश्योर के आने वाले जितने भी डेज है आप उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कभी रात तक जग लिए, नेक्स्ट डे कभी फिर सुबह उठ गए, दैट विल डिस्टर्ब योर बॉडी क्लॉक एंड फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। उससे अच्छा एक सिस्टम सेट कर लो एंड यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर स्टिकिंग टू इट, एंड काफी उससे आपको हेल्प होगा, दैट आई कैन अश्योर यू। बहरहाल, आई एम ब्रिंगिंग यू विद यू द फुल प्रूफ रिविजन प्लान टू स्कोर 70+, एंड इसके लिए मैंने आप लोग के साथ एक बनाया है पीडीएफ, और यस वो पीडीएफ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी प्लानर फॉर ईच वन ऑफ यू। ये देखो, ठीक है, क्लिक एंड प्ले स्टडी मैनुअल टू स्कोर 70+। तो इसके अंदर क्या क्या होने वाला है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले, ठीक है, अगर आपको कोई भी चैप्टर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, बिकॉज नाउ द टाइम इज लेस, मैक्सिमम अराउंड 5 to 6 डेज आप दे सकते हो कोई भी सब्जेक्ट के लिए, प्लस आपको टेस्ट भी लिखने हैं। अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो विदाउट फेल प्लीज जितने हो सके आप टेस्ट लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम वी हैव बॉट समथिंग विच इज अ क्लिक एंड प्ले मॉड्यूल। मतलब यहां पे आपको, से फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर 2 में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका रिविजन करना है, ये पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूं, उधर से डाउनलोड कर लेना। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रेस ऑन दिस एंड वो पर्टिकुलर चैप्टर का प्रैक्टिकल रिवीजन आ जाएगा। नहीं सर, फिलहाल मेरा इच्छा है कि मेरे को थ्योरी करना है। ओके, आपको जो चैप्टर का, से आपको चैप्टर नंबर 7 परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन का थ्योरी करने का मन कर रहा है, यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दैट बटन एंड आपके पास वो रिवीजन लेक्चर ओपन हो जाएगा। तो उठते सोते जागते एनी टाइम खाते पीते जब आपको रिवाइज करना है, दिस पीडीएफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ डू यू फाइंड दिस आइडिया। प्लस फिर बाद में जर्नल, जो सीए जर्नल में स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ मोटिवेशन चीजें, नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज अब आपके पास टाइम कम है, सो यू जस्ट नीड टू डू 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द 8 to 10 चैप्टर्स दैट वी हैव। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। रिविजन स्ट्रैटेजी, अगर आपको लग रहा है कि एक दिन में मेरे को पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, मेरा यहाँ पे जो SCMP का जगराता मैराथन है, दैट विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू यू। सो काफी यूजफुल रहेगा ये आपको पीडीएफ, तो जहां पे आपको जो चीज करनी है यू कैन यूज इट फॉर योर बेनिफिट, ठीक है। चाय विद कॉस्टिंग, जो छोटे 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 अपने जितने भी टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को यहाँ पे मैंने कवर करवा दिया है। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस पिरामिड आपको फटाफट रिवाइज करना है, जस्ट क्लिक हियर एंड यू विल गेट दैट। RTPs है, May 21 का RTP, May 22 का RTP में मोर देन 4 to 5 questions were new and challenging questions था। अगेन वी हैव दिस रेडी फॉर यू, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, एंड इसके बाद आपको जहां भी लग रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट questions है या इंपॉर्टेंट कुछ है PDF में जो आपको ऑन द स्पॉट रिवाइज करना है, एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, एंड दैट्स व्हाट यू वांट एट द एंड ऑफ द डे। तो एग्जाम के टाइम पे भी आपको रिवीजन करना है कोई स्पेसिफिक चीज का, आपके पास ये पीडीएफ हैंडी है, आप उसको मार्क कर सकते हो एंड यू कैन रिवाइज इट अकॉर्डिंगली। कितने भी केस स्टडी, जो अपना केस स्टडी डाइजेस्ट है उसके जो सम्स है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सो ऑल इन ऑल, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस, इट इज गोइंग टू कवर मेजॉरिटी ऑफ योर CA SCMP का CA फाइनल का सिलेबस, और फिर 70 marks बॉस कोई नहीं रोक सकता। मतलब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं मैंने क्यों लिखा है यहां पे 70+ का ये स्टडी मैनुअल है, बिकॉज इसमें प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन सब आ गए, बट ऑब्वियस है कुछ क्वेश्चन यहां से आने वाले, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, थ्योरी इसमें पूरा आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, चाय विद कॉस्टिंग फॉर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया है, RTP 21 वाला कवर हो गया है, केस स्टडी डाइजेस्ट कवर हो गया है, RTP 22 कवर हो गया है, बॉस और क्या चाहिए आपको, राइट? सो एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा, बट एफर्ट्स को इजी करने के लिए, एफर्ट्स को इंश्योर करने के लिए कि यार चलो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले,
10 जगह पे ना जाना पड़े, सर्च करते ना रहना पड़े, एक ही जगह पे सब चीजें आ जाए, दैट इज वेयर दिस पीडीएफ बिलोंग्स। और मैं इस पीडीएफ को और भी अपलोड अपडेट कर दूंगा विद न्यू थिंग्स, या मैंने कुछ और क्वेश्चन स्पेसिफिक डाले हुए, वो सब चीजें भी आपको मिल जाएगी। यू कैन शेयर योर थॉट प्रोसेस इन द कमेंट बॉक्स, राइट? सो अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो कमिंग योर वे। प्लस ध्यान रखना, अब आपको ये चीजें फॉलो करनी है, बी रेडी विद चैप्टर वाइज नोट्स, ठीक है? इसका मतलब आप एग्जाम डे पे क्या रिवाइज करने वाले हो, अभी आपके पास वो चीजें रेडी होनी चाहिए। इट कैन बी अ मैजिक बुक, तो मैजिक बुक से अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो मैजिक बुक हैंडी रखो। हो सकता है कि आपने खुद का कोई नोट्स बनाया होगा, वो हैंडी रखो एंड उसमें से आप रिवाइज करते जाओ, सो दैट एग्जाम टाइम पे आपका माइंड क्लियर है कि हाँ हाँ मैंने ये सब चीजें पढ़ी हुई है, बिकॉज दैट्स वॉट वी वॉन्ट, सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉट वी आर डूइंग वो अपना सही जा रहा है कि नहीं। सॉल्व मास्टर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल चैप्टर्स, सॉल्व लिखा है मैंने, ऑडिट नहीं, सॉल्व। तो आप लोगों को मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करने का ये अभी भी डालते रहो, तो एटलीस्ट दो तीन क्वेश्चन हर चैप्टर के करते रहोगे, सो दैट मोमेंटम सेट होते रहेगा, स्पीड रहेगा, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स। एलोकेट अराउंड 6 डेज। अब अगर यहां से आपको एसएमपी का रिविजन करना है तो 6 डेज आपको अलोकेट करना है, लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू वॉन्ट दैट 6 डेज प्लान, विल डेफिनेटली मेक इट फॉर यू। कंप्लीट योर वीक चैप्टर्स फर्स्ट, प्लीज उनको अवॉइड मत करो, ठीक है? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, ये दो तीन चैप्टर्स है जो वीक होते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो आप प्लीज उनको ऑप्शन में मत छोड़ो, अभी भी टाइम है, यू कैन डू दैट। आपको वो स्पेसिफिक कोई चैप्टर चाहिए, अगेन यू नो यू कैन आस्क अस एंड वी विल गेट दैट अवेलेबल फॉर यू, बट प्लीज वीक चैप्टर्स को छोड़ो मत। इंस्टीट्यूट की आदत है कि वो वीक चैप्टर्स में से एटलीस्ट 20-25 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, एंड दैट कैन मेक और ब्रेक योर करियर। सो प्लीज कंप्लीट योर वीक चैप्टर्स फर्स्ट, प्लीज उनको बाद के लिए मत रखना। डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन, अब टाइम आ गया है फेंक देने का उन सबको। माइंड एंड बॉडी फुल पॉजिटिविटी के साथ रहो, दैट यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। चलो गाइज, आई होप दिस पीडीएफ इज रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो चुका है, करते रहो अच्छी तरह से, स्टे सब्सक्राइब फॉर न्यू थिंग्स कमिंग अप योर वे। Time for me to say hasta la vista. Take care, keep smiling, keep studying hard now.